11 अक्टूबर को लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती समारोह है। उस जयंती समारोह को सफल बनाने के लिए एक आवश्यक बैठक चल रही है। उस बैठक में बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त, राज्यसभा सांसद नीरज शेखर और उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह शामिल हैं। इस आवश्यक बैठक में पदाधिकारी, संगठन से जुड़े लोग, कार्यकर्ता सभी वहाँ मौजूद हैं। 11 अक्टूबर को कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं से, अपने विधानसभा वासियों से निवेदन किया है कि वह अमित शाह के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पहुँचे। उसके बाद सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने भी कहा है कि इस तरह का आयोजन पहली बार हो रहा है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आदमकद प्रतिमा का अनावरण देश के गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम नेता शामिल होंगे। वहीं बिहार में यूपी भारी पड़े, बिहार में यूपी की एक अहम भूमिका हो, उसको लेकर बलिया ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में एक आवश्यक बैठक चल रही है और अमित शाह के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी तैयारी चल रही है। मजे की बात यह है कि आज के दिन लखनऊ से बलिया पहुंचेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि भूपेंद्र चौधरी पहली बार बलिया आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भूपेंद्र चौधरी का प्रथम आगमन हो रहा है, जिसको लेकर पूरी तैयारी है। अभी आपने देखा कि जिस तरीके से अंदर दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री ने अपने लोगों से कहा कि अधिक से अधिक वाहनों से कार्यकर्ता उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कार्यक्रम जैसा भी होगा जानदार और शानदार तरीके से होगा, जैसा यहाँ तय हुआ है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। जुड़े रहे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।